हाथ नीचे करो। आज़ादी के जो 75वां साल है अमृत महोत्सव का, तो इसका आयोजन किया गया है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडेंट साहब भी यहाँ पे है। मुजफ्फरपुर से ये टीम आई हुई है और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे उनकी टीम ने अलग अलग जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हमारे गीत है जो मनोवर्धन करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं लोगों का, इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि एक नेशनल स्पिरिट जो है सभी लोगों के मन में जागरूक करना। और कल आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल लिया है, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो लोग हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो है आज़ादी का जो 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, हम समझते हैं कि सभी लोग इसको सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन आज़ादी का जो महत्व है, आज़ादी की जो वैल्यू है, आज़ादी का जो मीनिंग है, इस सबको दिल में रख के हमेशा के लिए जो है हमारा जो क्रियाकलाप है या जो हमारे ड्यूटीज़ है उसी तरह परफॉर्म करना आवश्यक है। मैं सभी पूर्वी चंपारण वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पे आई हुई है, मुजफ्फरपुर से यहाँ पे टीम आई हुई है और ये हर महीने में परफॉर्मेंस देगी एक जगह पे जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जगह होगी। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही जो है देश सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। Yeah.